राधे राधे भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म के छठे अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी उसके माता और पिता का देहांत हो गया था और वह अकेली रह गई थी। तब दुर्वासा ऋषि ने उसे पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करने के लिए कहा था, परंतु उसने पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं जाना और पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करके अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाली पार्वती माता और श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी कथाएं उपलब्ध हो सकें। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया वो हमसे बताइए। श्री नारायण जी कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए मां आठों सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव जी को ध्यान में अवस्थित करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रहे जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई वह ऋषि कन्या 9000 वर्ष बीतने पर फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। भोलेनाथ के उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था वह तो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्ववंदित श्री शिव जी का मानस उपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांचित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार बोलने लगी, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, और शांत हो गई। तब शिवजी उस मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है इसलिए हे सुंदरी तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिवजी के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के तो एक ही पति हो सकता है, कहीं पर भी स्त्री के 5 पति नहीं देखे जाते। एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना ठीक नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर शिवजी कहने लगे, इस जन्म में नहीं पुत्री, अगले जन्म में होंगे। वहाँ पर तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न होकर सुख को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा तो मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाएं तो तीनों लोगों को जला दें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का भी व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए हैं। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है
वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हो जाते हैं, इस लोक तथा परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई और सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता होने लगी। शंकर जी के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास प्रश्वास लेती हुई भयभीत होकर आँखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। इसके बाद उस कन्या का क्या हुआ यह बताएंगे अगले अध्याय में। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को अधिक से अधिक लोगों को सुनाइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।